नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। स्मार्ट मीटर लगाने से मना करने वाले ग्राहकों की कटेगी बिजली। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद इन चुनाव की है तैयारी। बिहार में अब मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में नहीं होगी कोई देरी। बिहार के 70,000 स्कूलों के बच्चों के खाते में जल्द ही आएंगे रुपए। महेंद्र सिंह धोनी का कालीन भैया के साथ फोटो वायरल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरुण कमल की। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न और काव्यात्मक शैली की ख्यात कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचना भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं तथा लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलने वाली साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। अरुण कमल का वास्तविक नाम अरुण कुमार है। साहित्यिक लेखन के लिए उन्होंने अरुण कमल नाम अपनाया और यही नाम उनकी स्वाभाविक पहचान भी बन गया। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 ईसा को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पेशे से वो पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रधानाध्यापक भी थे। स्मार्ट मीटर लगाने से मना करने वाले ग्राहकों की कटेगी बिजली। बिहार में हर घर में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का काम किया जाना है, जिसके तहत अब वैसे उपभोक्ता जो मीटर लगाने का विरोध करेंगे उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसको लेकर बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड ने सारी स्थिति साफ कर दी है कि उपभोक्ता द्वारा अगर बिजली के काम में बाधा पहुंचाई गई तो उनका बिजली कनेक्शन काटने का काम किया जा सकता है। इसके साथ ही सप्लाई बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने के पूरी तरह से स्वतंत्र है। बिजली कंपनी को नए मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से सहमति देने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी अपने अनुसार हर घर में स्मार्ट मीटर लगा सकती है। भारत सरकार विद्युत मंत्रालय ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। आरआरसी छुट्टी भर्ती में 5.25 लाख अभ्यर्थी फिर से कर सकेंगे आवेदन। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ने देश भर में रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बार मौका फिर से दिया है। आरआरसी ने ग्रुप डी भर्ती के 4.85 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए थे। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया से लेकर अन्य प्लेटफॉर्म पर मुहिम चलाई थी, जिसके बाद ही अभ्यर्थियों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद ही अभ्यर्थियों को गलती सुधारने का एक और मौका दिए जाने की घोषणा की गई है। 15 दिसंबर से ऐसे अभ्यर्थी रेलवे की वेबसाइट पर फिर से आवेदन कर सकेंगे। दूसरी तरफ ग्रुप डी के 1 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती परीक्षा की संभावित तारीख रेलवे बोर्ड ने जारी कर दी है। यह परीक्षा 23 फरवरी 2022 से शुरू होगी। ग्रुप डी से जुड़ी भर्तियों के लिए देशभर में 1.15 करोड़ आवेदन आए। बिहार में पंचायत चुनाव के बाद इन चुनावों की है तैयारी। बिहार में पंचायत चुनाव का समापन आज हो जाएगा, जिसके तहत 11वें चरण के तहत ही वोटिंग का काम होगा, जिसके बाद ही अब बिहार में उपमुखिया, उपसरपंच प्रमुख और जिप अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत आम चुनाव में निर्वाचित सभी प्रतिनिधियों के नामों की सूची गजट में प्रकाशित करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए आयोग ने सभी जिलों को 18 दिसंबर तक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नामों की सूची प्रकाशित करने की तारीख निर्धारित कर दी है, जिसके बाद ही अब पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपने बीच से अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से उपमुखिया, उपसरपंच प्रमुख, उपप्रमुख, जिलाध्यक्ष और जिला परिषद के उपचुनाव का चुनाव किया जाना है। माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हो सकती है जनवरी महीने से। बिहार में 94,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है। अब तक 38,000 शिक्षकों का चयन किया जा चुका है, लेकिन बीच में पंचायत चुनाव की वजह से नियोजन प्रक्रिया रोक दी गई, जिसके बाद अब प्राथमिक शिक्षकों के लिए नियोजन की तारीख 14 दिसंबर से 22 दिसंबर निकाली गई है, लेकिन इसके बदले जाने की पूरी आशंका है। मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन शेड्यूल भी जनवरी से पहले आना संभव नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग से विभाग ने काउंसलिंग को जारी रखने की अनुमति मांगी थी, पर आयोग ने अनुमति नहीं दी है। 12 तारीख को चुनाव आचार संहिता खत्म हो रही है, इसके बाद वर्ग 1 से 5 के नियोजन के लिए नए मुखिया आएंगे। निगरानी ब्यूरो ने एक और भ्रष्ट अधिकारी के घर की छापेमारी। इन दिनों बिहार में निगरानी विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है। इसी बीच बीते दिन भी विभाग ने बड़ी छापेमारी की है, जिसके तहत निगरानी ब्यूरो ने बीते दिन हाजीपुर से लेकर इन्फोर्समेंट ऑफिसर दीपक कुमार शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में 1.5 करोड़ रूपए नकद मिले हैं। खबर लिखे जाने तक निगरानी ब्यूरो ने बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगवाई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दीपक कुमार शर्मा इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाजीपुर से पहले कैमूर में पदस्थापित थे। वहां उन्हें स्ट्रेट बनाकर चेक पोस्ट पर ड्यूटी दी गई थी, वहीं पर उन्होंने धन कुबेर बनने का काम किया है।
मजदूरी करने वाले माँ बाप के कार्यस्थल पर बनेगा मौसमी छात्रावास। बिहार में अब मजदूरी करने वालों के परिजनों को लेकर के बिहार सरकार खास कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत मजदूरी करने वाले माँ बाप के कार्यस्थल पर मौसमी छात्रावास बनेगा। यानी कि काम करने वाले सभी मजदूरों के छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अब बिहार सरकार उठाने वाली है। ज्ञात हो सूबे में ऐसे 53,938 बच्चों के लिए मौसमी छात्रावास बनाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत ही अब इन बच्चों के माता पिता के काम करने की जगह के पास ये छात्रावास बनेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस साल 6 से 14 साल के बच्चों का गृहवार सर्वे करवाया गया था, जिसके बाद ही बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे बच्चों की पढ़ाई किसी भी हालत में ना रुके, इसको लेकर ये पहल की गई है। बख्शे नहीं जाएंगे व्यवसायियों को तंग करने वाले अधिकारी। बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार में व्यवसाय और उद्योग को आगे बढ़ाने की बात कही है। साथ ही इस दौरान ये भी कहा है कि बिहार की तरक्की के लिए व्यवसाय और उद्योग जरूरी है। बिहार में व्यवसाय और उद्योग कैसे फले फूले और आगे बढ़े, जिससे बिहार में स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे, इसके लिए सरकार गंभीर भी है और लगातार काम कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने व्यवसायियों की सहूलियत के लिए कहा कि सुविधाओं के लिए वैट को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर सुधार की तरफ कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे देश के बड़े व्यवसायी और उद्यमी राज्य के लिए काम करें। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के व्यवसायियों की सुरक्षा की भी बात कही है, साथ ही उन्होंने हर तरह की सुरक्षा देने की बात भी दोहराई। बिहार के पुलिस कर्मियों को मिलेगा नगद पुरस्कार। बिहार के सभी पुलिस कर्मियों को जल्द ही नगद पुरस्कार मिलने वाला है। हालांकि इसके लिए पुलिस कर्मियों को एक काम करना होगा, जिसके तहत सीबीआई ने हाल ही में बुलेटिन जारी करने की बात कही है। इसमें पुलिस और उससे जुड़े विषयों पर लिखे गए आर्टिकल को छापा जाएगा। गाजियाबाद स्थित सीबीआई अकेडमी के एसपी प्रशिक्षण ने बिहार के सभी पुलिस मुख्यालय को पत्र जारी कर पुलिस पदाधिकारी से आर्टिकल लिखकर भेजने को कहा है। आर्टिकल लिखने वाले पुलिस पदाधिकारियों को नगद इनाम भी दिया जाएगा। ध्यान रहे, आर्टिकल की शब्द सीमा 1500 से 3000 तक होगी। जिस पुलिस पदाधिकारी का लिखा आर्टिकल सिर्फ बुलेटिन में ही छपेगा, उन्हें पुरस्कार स्वरूप 3000 रुपए भी दिए जाएंगे। मौसम। बिहार का मौसम तेजी से बदल रहा है, जिसे मौसम वैज्ञानिक बिहार के लिए अच्छा संकेत मान रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में पश्चिमी हवा का प्रवाह बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज तेजी से बदलने लगा है। शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा के मुताबिक सोमवार तक प्रदेश में तापमान का उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके बाद प्रदेश से पश्चिमी विक्षोभ और पछुआ हवा की गति में वृद्धि के कारण तापमान में भारी गिरावट के आसार हैं। पछुआ हवा की गति 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे आने का भी अनुमान है। हालांकि इस प्रकार का सिस्टम बनने में 3 से 4 दिन अभी लगने वाला है। महेंद्र सिंह धोनी का कालीन भैया के साथ फोटो वायरल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद इन दिनों एक विज्ञापन की शूटिंग में बिजी चल रहे हैं, जिसके तहत ही धोनी का हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के साथ विज्ञापन की शूटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वेब सीरीज मिर्जापुर में कालीन भैया का रोल निभाने वाले पंकज त्रिपाठी ने धोनी के साथ मुंबई के गोरेगांव स्थित फिल्म सिटी में विज्ञापन की शूटिंग की है। धोनी के बचपन के दोस्त सीमांत लोहानी ने अपने इंस्टाग्राम से फोटो शेयर की है। लोहानी ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा है SRMB की शूटिंग के दौरान, जिसके बाद से ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बिहार में अब मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में नहीं होगी कोई देरी। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर किसी मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो शायद डॉक्टर उसकी जान बचा सकते थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कई लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। हालांकि बिहार में अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब बिहार में किसी को भी अस्पताल पहुंचाने में देरी नहीं होगी। इसके लिए बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के इरादे से 750 एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दे दी है। इन एम्बुलेंस की खरीद पर 1.71 अरब रुपए से अधिक की राशि खर्च होगी, जिसकी राशि भी अब बिहार सरकार ने जारी कर दी है। अगर सब कुछ सही रहा तो मार्च 2022 तक इन एम्बुलेंस की खरीद हो जानी है। राजगीर में शुरू हुआ आयुर्वेद पर्व। राजगीर में बीते दिन से आयुर्वेद पर्व की शुरुआत हो गई है, जिसकी शुरुआत खुद सीएम नीतीश ने की है। सबसे खास बात यह है कि इस पर्व का आयोजन 3 दिनों तक रहने वाला है। सम्मेलन में आयुर्वेद आहार द्वारा पोषण विषय पर 30 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र पढ़ेंगे। इसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कन्वेंशन सेंटर में देश के विभिन्न राज्यों की नामी गिरामी 40 आयुर्वेदिक कंपनियों ने स्टॉल लगाए हैं, जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश ने कर दिया है। वहीं इस दौरान सीएम नीतीश के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, केंद्रीय आयुष सचिव डॉक्टर सोनेवाल कोटेचा, परामर्शदाता डॉक्टर मनोज नेसरी, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुना शामिल रहे हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न राज्यों के डेलीगेट्स भी इस दौरान मौजूद रहे। बिहार के 70,000 स्कूल के बच्चों के खाते में जल्द ही आएंगे रुपए।
बिहार सरकार जल्द ही पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और खिताब के लिए मिलने वाली राशि से अलग राशि बिहार के 71,000 स्कूलों के बच्चों के खाते में भेजने जा रही है। ज्ञात हो यह राशि मिड डे मील के तहत भेजी जानी है। मिली जानकारी के अनुसार यह राशि डीबीटी के जरिए बच्चों के खाते में जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने निर्देश दे दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब बच्चों को 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक 34 कार्य दिवस के लिए मिड डे मील के खाद्यान्न एवं उसे पकाने के पैसे दिए जाने हैं। इतना ही नहीं, पांचवीं तक के बच्चों को हर दिन के हिसाब से 100 ग्राम खाद्यान्न की दर से 3.400 किलो और छठी से आठवीं के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 150 ग्राम की दर से 5.100 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। अब एक ही जमीन पर कई लोग नहीं उठा सकेंगे लोन। बिहार में जमीन की देखरेख में आने वाले समय में बड़ा बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अब बिहार में जमीन की देखरेख का काम पोर्टल के जरिए किया जाएगा, जिससे कि एक फायदा तो ये होगा कि अब एक ही जमीन पर कई लोग लोन उठाने का काम नहीं करेंगे, जिसकी जानकारी भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने दी है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही थी कि एक ही जमीन पर कई लोग लोन उठाने का काम कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए अब यह पोर्टल एक बेहद ही कारगर कदम होने की उम्मीद है, जो कि आने वाले समय में 2 से 3 दिनों में बिहारवासियों के सामने होगा, जिसकी जानकारी राजस्व मंत्री रामसूरत राय भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में देते हैं। 15 दिसंबर से थर्मोकॉल पर लगेगा प्रतिबंध, निर्माताओं ने किया प्रदर्शन। बिहार में 15 दिसंबर से थर्मोकॉल के इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद से ही थर्मोकॉल निर्माताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि बीते दिन बिहार के थर्मोकॉल निर्माताओं ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। थर्मोकॉल निर्माताओं ने कहा है कि बिहार सरकार इन वस्तुओं के स्थान पर जो नई वस्तु आएगी, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा जारी गजट ऑफ इंडिया के अनुसार पूरे देश में थर्मोकॉल से बने और एकल उपयोग में आने वाले वस्तुओं पर 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है, लेकिन बिहार में 15 दिसंबर 2021 से थर्मोकॉल से बनी वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसके कारण ही अब थर्मोकॉल निर्माताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। पटना मेट्रो के लिए लोन हुआ पास। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को लेकर के बिहार में तेजी देखी जा रही है, जिसके तहत काम जोर शोर से चल रहा है, ताकि आने वाले समय में जल्द से जल्द लोगों को मेट्रो की सुविधा दी जा सके, जिसके बाद अब पटना मेट्रो के निर्माण कार्य में और ज्यादा तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बीते दिन पटना मेट्रो के लिए 8,000 करोड़ का लोन पास हो गया है। ज्ञात हो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर 13,365.77 करोड़ रूपये का खर्च होने का अनुमान है। केंद्रीय सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा को मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने केंद्रीय शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी है। मार्च 2023 तक पटना मेट्रो के पहले चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और 2024 तक पटना में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। शिक्षकों को वेतन निर्धारण के लिए नहीं काटना होगा चक्कर। बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है, जिसके बाद ही अब बिहार के सभी शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों को वेतन निर्धारण के लिए विभाग के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग खुद ही तैयारियों में जुट गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग NIC की मदद से ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार करवा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक कैलकुलेटर के निर्माण में अभी वक्त लगेगा, जो कि इस महीने के अंत तक संभव है। हालांकि निर्माण के बाद इसका ट्रायल भी होना है। ट्रायल के सफल रहने और किसी प्रकार की समस्या नहीं आने के बाद 3.5 लाख शिक्षकों और पुस्तकालाध्यक्षों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ हो पाएगी। वर्तमान नियम के अनुसार 5% वेतन वृद्धि के पहले शिक्षकों का अपने अपने पे मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण कराना अनिवार्य है। जल्द ही बनेगा 5 नया बिजली ग्रिड। बिहार में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने में बिहार सरकार लगातार लगी हुई है। यही कारण है कि समय के साथ ही बिजली के क्षेत्र में एक के बाद एक काम करवा रही है। इसी कड़ी में अब बिहार सरकार बिहार में जल्द ही 5 नए बिजली ग्रिड के निर्माण कार्य को करवाने जा रही है, जिसके लिए बिहार ने केंद्र की सरकार से राशि की मांग की है, जिसके तहत बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से इन बिजली ग्रिडों को बनाने के लिए 490 करोड़ की मांग की है, ताकि आसानी से इन ग्रिडों का निर्माण किया जा सके, जिसके बाद ही औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर और नवीनगर, गया जिले के भोरे और बाराचट्टी के अलावा बघा में ग्रिड बनाने का निर्णय लिया गया है। ज्ञात हो इन ग्रिडों के निर्माण से गया, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण के अलावा आसपास के जिलों को भी लाभ होगा। 99 जेंटलमैन कैडेट्स। बीते दिन बिहार में कुल 108 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए, जिनमें 99 भारत के एवं 9 कैडेट्स वियतनाम, श्रीलंका और भूटान के शामिल है। इस तरह से देश को 99 कैडेट्स मिले। ज्ञात हो इसको लेकर बिहार के गया शहर के गया बोधगया मुख्य सड़क मार्ग पर पहाड़पुर गांव के समीप स्थित ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकेडमी में 20वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी ने परेड की सलामी ली। कोरोना काल में 2 वर्षों के बाद पहली बार जेंटलमैन कैडेट्स के अभिभावक सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जेंटलमैन कैडेट्स द्वारा शानदार परेड मार्च किया गया। इस दौरान जेंटलमैन कैडेट्स के ऊपर सेना के 3 हेलीकॉप्टर की तरफ से फूल भी बरसा करके उनका उत्साह बढ़ाया गया।
इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत की राजधानी 1911 में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। भारतीय संसद द्वारा पूर्व राजाओं को प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाएं 1971 में रद्द कर दी गई। भारत और बांग्लादेश के मध्य 1996 में गंगा जल के बंटवारे को लेकर के 30 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ। भारत ने 2001 में नेपाल को 2 चीता हेलीकॉप्टर और हथियार दिए। स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बालकृष्ण शिवराम मंजू का जन्म 1872 में आज ही के दिन हुआ था। इसके साथ ही तमिल और हिंदी फिल्म अभिनेता रजनीकांत का जन्म 1950 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह का जन्म 1981 में आज ही के दिन हुआ था। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी का निधन 2012 में आज ही के दिन हुआ था। राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात प्रसिद्ध हिंदी कवि मैथिली शरण गुप्त का निधन 1964 में आज ही के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 11 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,250 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,550 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,200 रुपए था। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के भाई की पंचायत चुनाव में पिटी भद्र। बिहार पंचायत चुनाव अब अपने समापन की तरफ है और आज आखिरी चरण का मतदान होना है। हालांकि आज से ठीक पहले यानी कि बीते दिन 10वें चरण में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हुआ और मतगणना पूरी हुई। हालांकि परिणाम आने के बाद जहां नए चेहरों पर खुशी दिखी तो वहीं कई जाने माने चेहरे मायूस दिखे, जिनमें से एक थे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के भाई। सहरसा जिले के सलखुआ पंचायत से तारकिशोर प्रसाद के चचेरे भाई राकेश कुमार भगत ने मुखिया का चुनाव लड़ा। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें मात्र इसमें 45 वोट मिले, जो चर्चा का विषय बनी हुई है। शादी के बाद पटना पहुंची राबड़ी देवी। तेजस्वी यादव की शादी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली से बीते दिन पटना पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर हालांकि उन्होंने पत्रकारों से कोई खास बातचीत तो नहीं की, लेकिन खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने यह जरूर कहा कि शादी को लेकर मिठाई सबको खिलाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने गुरुवार को शादी कर ली है। हालांकि उनके बिहार आगमन पर मिली जानकारी के अनुसार अभी संशय की स्थिति है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो खरमास के बाद ही बिहार आएंगे, जिससे कि उनके प्रशंसकों को उनका इंतजार थोड़ा और करना पड़ सकता है। बिहार में मिले कोविड 19 के 10 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 8 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 62 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो किशनगंज में 1, नालंदा में 1, पटना में 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,70,202 सैंपल की जांच की गई। वहीं 3 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबिता यादव, विजय घायल, इंडियन आर्मी, प्यारे बाबू, राम बाबू कुमार, परवेज आलम, ममिता कुमारी, कविता कुमारी, मिथुन राम, लाजवाब रिकॉर्ड्स, राजमोहन, मोहम्मद अल्ताफ। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के सफल आयोजन से आप संतुष्ट हैं या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।